पुणे में 12 सितंबर की शाम को ग्लोबल स्पा अवार्ड्स 2023 का आयोजन किया गया था। इस इवेंट में बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स दिखाई दिए। यूलिया वंतूर ने सभी का ध्यान खींच लिया क्योंकि उन्होंने पहनी थी साड़ी। सिर्फ 6 दिन में जवान ने 600 करोड़ की कमाई की। सानिया मल्होत्रा ने दिया रिएक्शन। दिल चाहता है फेम एक्टर रियो कपाड़िया का निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार 15 सितंबर को मुंबई में होगा। आखिरी बार रियो को OTT प्लेटफॉर्म मेड इन हेवन 2 में देखा गया था। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी का कार्ड हुआ वायरल, जिसमें सभी फंक्शन की एक एक जानकारी दी गई है, जिसके मुताबिक कपल 24 सितंबर को 7 फेरे लेंगे। सोशल मीडिया पर कपल के एक फैन ने इसे शेयर किया है। आमिर खान से तलाक पर पहली बार बोली किरण राव। फिल्म कंपेनियन को दिए इंटरव्यू में किरण ने कहा, हमने कई सारे इश्यू झेले हैं। अगर सीधे कहे तो हम सब अनुभवी है। मैं बहुत भाग्यशाली रही हूँ क्योंकि मेरे किसी भी रिश्ते में मुझे ट्रॉमा से नहीं गुजरना पड़ा है। मेरी जिंदगी में सभी रिश्ते बहुत प्यारे रहे हैं और आज भी वो साथ है। आज अपने जन्मदिन के खास मौके पर एक्टर आयुष्मान खुराना ने सोशल मीडिया पर एक सोशल वीडियो शेयर किया है, जिसमें आयुष्मान अपने शानदार फिल्मी सफर को याद कर रहे हैं। पूर्व पत्नी रीना दत्ता के साथ दिखे आमिर खान, स्माइल करते हुए फोटोग्राफर को दिए पोज, हो गए सोशल मीडिया पर ट्रोल। आमिर खान की एक्स वाइफ का लोगों ने जमकर मजाक उड़ाया। अल्लू अर्जुन ने शाहरुख खान की जवान देख ली है और इसकी खूब तारीफ की है। उन्होंने पूरी स्टार कास्ट के लिए नोट लिखा है। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के मंच पर शिल्पा शेट्टी ने लगाए ठुमके। फिल्म सूखी को कर रही है जमकर प्रमोट। खबरों की माने तो फेमस साउथ एक्टर नागा चैतन्य अपनी पूर्व पत्नी समांथा रुद्र प्रभु से अलग होने के लगभग 2 साल बाद दूसरी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो लड़की एक बिजनेसमैन की फैमिली से है और उसका ग्लैमर की दुनिया से कोई संबंध नहीं है। हालांकि इस खबर को लेकर एक्टर या उनके परिवार की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है।